मक्खन इंशाल्लाह आज हम बना कर लेंगे। देखो अच्छा खासा तैयार हो भी गया, अच्छा खासा फर्क पड़ रहा है, सारी मलाई से मटका भरा हुआ था। मेरा फेस नहीं आना चाहिए। चाचू का फेस रिवील हो गया, अब रिवील हो गया। यहाँ पर नाश्ता हो रहा है सुबह सुबह फारूक भाई के घर पर। देसी महक आती है हर खाने में, मतलब देसी घी सब कुछ देसी ही इनका होता है। ये देखो अब इनकी जो रोटियां है ना, ये भी देसी घी में बनाई हुई है। मम्मी कैसा बना फारूक भाई? बहुत अच्छा बना हुआ है। और मैके तो मैके होते हैं। हाँ ये हमारा मैका है, मैके देसी नाश्ता हो और ये शरीफ आदमी गोड़ पास में ना हो तो फिर नाश्ते का मजा आएगा। हाँ गुड़, देसी गोड़ ले, देसी घी में फारूक भाई ने ये बनाई है, ऊपर गुड़ डाला है, शक्कर डाली, बहुत मजे की। मैंने पहले टेस्ट की है वैसे, अभी सब मिल के बैठे तो अभी हम अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं। आज हमारे साथ नाश्ता करें, अब मेहनत करके हमारे साथ बैठ के नाश्ता करें। मैं उधर फिर भाई के पास बैठा हूं, ये भी कहो ना। हां भी मुझे जान से प्यारा बेटा है मेरा। हां बिल्कुल, तो मैं अपने इधर बैठूंगा क्योंकि फिर ये है ना, जब आप चले जाएंगे तो ये कुछ माइंड करेंगे। अच्छा बेहतर है बाद में माइंड होने से वो उनके पास बैठना। चलो फिर ठीक है, ज्यादा खुश हूँ कि मेरा मैक है। और चाचू इतना ज्यादा कैसे खुश है? हाँ चाचू आपका ससुराल है, मैक है, क्या है ये? ये मेरा बेटी और दामाद का घर है तो इस वजह से जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से। हाँ ये देखो चाचू लाइने कैसे सुनाते हैं, यही पैदाइश का यही जगह है। हाँ मेरी पैदाइश की जगह है। तो नाश्ता करने के बाद फारूक भाई लाए हमारे लिए फ्रेश फ्रेश बाग से तोड़कर किन्नू लाए हैं, और आयत को तो एप्पल पसंद है। कैसे हैं किन्नू? ठंडे ठंडे मीठे मीठे। कौन से बाग से लाए? उसी बाग से। हाँ जहाँ अमरूद के बाग पे गए थे ना। हाँ हाँ तो ये उसके पास ही है, तेरे जब मौका मिलेगा तो आपको जरूर लेके चलूंगा। चल एक दफा हम बाग देखने जाएं, वैसे तो हम वापस जा रहे हैं कराची, एक दफा बाग देखते हुए जाए। देखोगे बाग? यहाँ पर बाग है इतना भरा हुआ ना अमरूद का और किन्नू का। हम एक दफा गए तो उधर पिक्चर वगैरह बना कर लाए। मैं सोच रही हूँ कि सब बोलेंगे कि हम कितनी बार कितनी चीजें खाते हैं, तो नाश्ता सब का हो गया है। अभी सब यहाँ पर चाय लेने लगे। भाभी ये नए कप लिए? कब के हैं? अभी निकाले ना, पिछली बार तो नहीं निकले थे। कलर इनका प्यारा है, इनका आपका है ना, मैं सबको इसका कलर अच्छा लगा। What happened? गाय मारी है। अम्मी अम्मी एक दफा आयत को देखे, ये देखे क्या बना हुआ है। यहाँ पर हमारी माँ भी अभी जा रही है, सब हम अपने घर जा रहे हैं। सारे एनिमल्स को अंदर भगा दिए इसने। आयत तो देखो हमारा वो जादू बना हुआ है। हाँ कह रही है ये भी रहा मुस्तफा, इसको भी कहती है भगाओ। माओ भी साथ में जा रही है। अपने जादू को देखा मुझसे दिखी मेरा जादू देखो। अम्मी देखा है अपने इसका फेस तो देखी कैसे। हाँ माओ को इधर ही छोड़ दो। हाँ छोड़ के आओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। अच्छा ये ड्रेस पता नहीं कितना 15 से 20 दिन से शायद ज्यादा टाइम हो गया, मुझे 20 दिन से ऊपर हो गए ये ड्रेस मैंने लेकर रखा। मैंने सोचा कि इस ड्रेस को पहन लूं और अम्मी को दिखा रही हूँ। इतना टेंशन हुई है कि अम्मी ये इतना टाइट है, अम्मी कहती है यहाँ पर सब पहनते ही ऐसे हैं। और मैंने भी उनका जाकर देखा जो घर पे पहन के घूम रहे होते हैं, उनके सूट भी अम्मी ऐसे ही थे ना। हाँ ये और ऊपर से ऐसे डुबा। अभी मैंने फाउंडेशन लगा ली तो मेरा व्लॉग बना ही नहीं है। अम्मी कब से सेट करिए, नहीं अच्छा लग रहा है। अम्मी कहती है कि ना ऐसा ही होता है, अम्मी मुझे बहुत टाइट लग रहा है ना, पता नहीं आप सबको ऐसे पहनती है अम्मी कब से। जी अच्छा चोरी ठीक है, गाने मतलब ज्वेलरी पहना, गाने पहनी थे पर छोरी सुठी लगी तमाम, सुठी मतलब बहुत अच्छी लगेगी अगर ज्वेलरी पहनेगी तो। अम्मी कहती है कलर मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, अम्मी मुझे बस बहुत ज्यादा ये टाइट लग रहा है, बाकी तो ये ठीक है। नहीं वो पहनती भी ऐसे वो बहुत टाइट पहनती है। तो बस नेक्स्ट टाइम जब भी हम ये चोलिस्तान वाला लुक क्रिएट करेंगे ना, तो चोली मैं खुद ही स्टिच करवा लिया करूंगी। अभी तो ये उनके शादियों के ड्रेस पड़े थे तो हमने ये ऐसे उठा लिए, तो वो इस तरीके की पहनती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइट, उनके गले बहुत छोटे होते हैं, तो खुद से बनवाएंगे ना थोड़ा सा लूज रखेंगे। और ये वाली जो साइड होती है ना, ये मत समझिएगा कि ये बहुत टाइट है तो ये ऊपर आ गया, मतलब ये साइड इनकी ऊपर की होती है और नीचे का ये वाला पार्ट अलग होता है। मैंने अपना मेकअप निकाल के रखा, सामने अपना मिरर रखा हुआ है, तो जल्दी से अपना मेकअप करती हूं। तो मुझे ये कलर भी इनका कॉम्बिनेशन
जो है सब बहुत पसंद है, बस ये जो गला है ना इनका ये टाइट है। अच्छा लग रहा है भाभी, अभी ज्वेलरी लेने गई हुई है, गला इतना ज्यादा इनका टाइट है कि पता नहीं ज्वेलरी हमें कैसे पहना ना, साथ में बहुत हमें गला थोड़ा छोटा, गला थोड़ा बड़ा होता है ना फिर हमें ज्वेलरी अच्छी लगती है। पता नहीं अच्छी लग रही है, सही लग रहा है, अब मैं लग रही हूँ अच्छी दिखा वाली। माने तू लगे चुनिस्तान की रानी लगे चुनिस्तान की रानी। चाचू कह रहे हैं भाभी को कि इसकी दो साइड पर चोटियां भी निकाल के बना दो। हाँ क्यों नहीं, ये हमारी ज्वेलरी अम्मी, ये तो इसके साथ सही नहीं लगेगा, और इसके साथ ये हमारी पायल भी है, ये री पायल, पायल अच्छी लगेगी। ये है झुमके, झुमके तेरे झुमके, इसके साथ ये सही लग रहे हैं, लगाएं जरा ये थोड़ा सा अम्मी इधर आते हैं। अम्मी ये बहुत ज्यादा वजनी है, इनको पिने लगेंगी, पिन है इसमें। हाँ ली शॉपर में थी, ली तो थी, पता नहीं अब है या नहीं। गला बहुत ज्यादा टाइट था ना, वो शायद इसकी वजह से अब छुप गया, मेरा दुपट्टा गया। इनके साथ ये जो झुमके है ना, झुमके जो है ना बहुत ज्यादा बड़े हैं, और इसके साथ ये इतना अच्छे भी नहीं लग रहे, मतलब ये किसी और ड्रेस के साथ इनको पहन लूंगी। एक तो ये जो मैंने नेकलेस पहना ये इतना बड़ा है, तो बस ये गला छुपाने के लिए तो बहुत अच्छा प्यारा भी लगेगा। इसके अलावा एक हमारे पास है बिंदिया, इसको मैं रख के देखती हूँ, ये अच्छी लगेगी, ये फिर भी सही लग रहा है ना। मेरे हस्बैंड बिजी बैठे हैं कब से फोन में, मैं बोल रही हूँ मुझे जरा बता दें, देख दें, देख दें किसके मैसेज आए हैं, कब से मैसेज पे लगे हुए, जस्ट सच सच बताना। बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, एक बात पूछूं, पायल पहनाओगे मुझे, पायल पहनाओगे मुझे, सच बताओ पहले, देखो इतनी प्यारी पायल है। पहनाएंगे। कब पहनाएंगे? सच में लाइफ की फर्स्ट टाइम, एक तो मैं पायल वैसे पहनती नहीं हो रही, मुझे पहली दफा पायल पहनाएंगे। पहनाओगे ना? Yes. कैमरे के आगे जो मान जाता है ना उसे फिर काम करना पड़ता है। हाँ पक्का, शॉप से इतने सारे खुशे लेके आ गए, जो सही लगे ना वो हाँ। आप ले लो, ये देखो ये भी बहुत प्यारे। अम्मी आए खुशे, देखे खुशों की तो लाइन लग गई है। ये लाल वाला, हाँ लाल मेहरून वैसे है ना अम्मी, ये शादियों वाले हैं खुशे भी। ये तो नहीं, ये वाला, ये वैसे अपनी जगह अच्छा, लेकिन मेहरून प्यारा लग रहा है। हाँ ये वाला नरम है, ये सारे जो है ना भाभी ने शॉप से खुशे उठवा लिए, ये रेड है और बाकी तीन ये देखो खुशों की शॉप लगी। नहीं एक व्हाइट भी है ना। हाँ एक व्हाइट भी है, एक ये भी है, व्हाइट व्हाइट ये है। कौन सा ये अच्छा लग रहा है? अच्छा पहले तो आप मेहरून पहनो, मेहरून सबसे पहले ट्राई करो। चलो दोनों खुशे जो है ना रख के ट्राई करती हूँ, एक ये हो गया और एक ये वाला। ये बहुत ज्यादा टाइट है। हाँ अब ऊपर करो थोड़ा सा। अम्मी बताए खूबसूरत है ये वाला, ये भी अच्छा लग रहा है, ये नरम है ना। हाँ आप बताए, लेकिन ना मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, ये वाला लाल वाला, मुझे लाल ये वाला अच्छा लग रहा है। आई साइड करो तो नहीं बस नहीं अम्मी ने मना किया तेरे बच्चों का बाप है उसे ना अदब में रखा कर। अम्मी ने कहा कि पायल क्यों उससे पहना, पहले मैंने कहा कि अम्मी ये साजिद पहना है कि अम्मी कहती है इसमें कोई वो नहीं। हाँ इसमें कोई वो अच्छा, बस अम्मी जा चुके हैं, कोई नहीं कोई सुने मुझे पहनाने से कुछ नहीं। पायल पहनाने से हमें प्यार बढ़ता है। अम्मी कह रही है कि नहीं मेरे दामाद को इज्जत मिलनी चाहिए। अम्मी अपनी दामाद की साइड लेते हैं, ये देखो पायल भी नहीं चले जूता भी नहीं। अभी दोनों में से साथ कौन चल रहा है हमारे? हम तो वोटिंग में हार गए। हाँ अम्मी आप साथ चल रही है, आए तो अम्मी पहले गाड़ी में गई हुई है, ये देखो जा रही है। आए थे काम, देखो आज पिक्चर पड़ रही है यहाँ पर, लेट हो जाएगा हमारी वीडियो नहीं बनेगी अंधेरे में, टाइम ज्यादा हो गया तैयारी के चक्कर में। और देखे कि ना कोई चीज भी प्रॉपर नहीं थी हमारी, कोई कहाँ की थी कोई कहाँ की थी। ये भी कोका भी एंड टाइम पे मुझे मिला है, ये भी मिली है, ये ज्वेलरी सब कुछ अम्मी ने क्या लगा दिया, कोई क्या पहना दिया, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैचिंग हो गया। भाई पायल देखो, ये देखो पायल अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह पाक का किसी की नजर में ये छोटी। चलो तो हमारी गाड़ी तो बिल्कुल सामने लगी है, अभी हम निकलते हैं और आगे थोड़ा चलते हैं वीडियो बनाने के लिए। आ
आज लेट हो जाएगा ऐसे तो सब कुछ मैचिंग। हमारी छोटी ये भी घाघरा चोली पहनती ना बहुत प्यारा लगता है ना यार। वो है तो सही लड़की की साइज। हाँ ये भी किसी की मंगवाते हैं इसके लिए आज। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को देखो, मेरे हस्बैंड भी क्या ये सिंधी बन गया, कोई मैचिंग हो रही है सिंधी और चोलिस्तान वालों की। गुजारा तो करना है। ये भी चाचू ने अपनी टोपी और अजरक पहना दी कि कुछ ना कुछ तुम्हारा भी लुक आए साथ में। सारे अभी यहाँ पर हम बैठ गए फिक्स आ गए गाड़ी में। और ये है यहाँ पर इनकी लाइफ, यहाँ पर सब है सब। यहाँ पर अम्मी हम पहले भी तो आए थे, आप आई थी ना। हाँ अम्मी भी साथ में एक बार आई थी। चलो बच्चो उतरो, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी बनाएंगे और आप सभी बताएगा कि ये वाला लुक जो है ना आपको कैसा लगा। मैं भी नहीं है अम्मी, सबको तो बहुत पसंद है कि अच्छा लगा। साथ में एक ड्रेसिंग थी, एक ज्वेलरी थी और उसमें ये जो कोका पहना ना इसने काम थोड़ा सा हमारा उठा दिया। बस अब इसके पीछे हमारी कितनी स्ट्रगल है ये मत पूछो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। ये गया मेरा माथा कि बिंदिया कहीं जा रही है जा। ये सही से नहीं लगी हुई ना। चलो अभी हम अंदर चलते हैं। मेरे हस्बैंड देखे, मेरे हस्बैंड कैसे प्यारे लग रहे हैं ना। आप भी अच्छे लग रहे हो इसके इस ड्रेस में। आपकी दुल्हन ऐसी होती है। हाँ। मैं दुल्हन बनी हुई हूँ, इनकी दुल्हन ऐसी तैयार होती है। तो अभी हम चल रहे हैं इनका जो बहुत बड़ा बाड़ा इस साइड पर चलना है। इधर नहीं, इनकी औरतों वाली साइड पर नहीं, इनकी साइड पर चलो। इधर एनिमल्स वाला बाड़ा जो है ना यहाँ पर हम वीडियोस बनाएंगे। ये माशाल्लाह से मारेंगे तो नहीं, लग तो ऐसे रहे बड़े बड़े से मारने वाले। देखिएगा चाचू ख्याल से, ये तो मारने वाले लग रहे हैं ये। अच्छा इस साइड पर देखो, इस साइड पर देखो, यहाँ पर एनिमल्स के छोटे छोटे बेबी सारे जो है ना इनका छोटा सा बाड़ा बनाए, छोटे वाले इस साइड पर है। कितनी क्यूट क्यूट है ये चांदी का। अच्छा है ना, इतना अच्छा लग रहा है, इतना नेचुरल। यहाँ पर एक तो धुआं उठा है, ये आग लगी हुई है। यहाँ पर पिक्चर जो है ना भाभी बहुत प्यारी आने वाली है, ये वाला पीछे वाला। हाँ। तो भाभी आपने अच्छी अच्छी रील बनानी, आज मैं आपको सिखाऊंगी रील। चलो ठीक है। हाँ। ये ऐसा तो मम्मी ने जब खुशा पसंद किया ना, मुझे खुशा बहुत अच्छा लगा, ये बहुत प्यारा लगा, बहुत खुश। जैसे हम यहाँ पर पिक्चर वीडियोस बना रहे थे, ये सारी देखो अभी मारने के लिए आ रही थी। मारती है ना। हाँ कहते हैं हम मारती है, ये वाला मारते हैं, ये वाला एक तो मैंने ये रेड पहना हुआ है ना, इस वजह से भी ये देख के मारते हैं थोड़ा। नहीं मारेंगे, ये पहचानते हैं कि मैं इनकी हूँ। ये रहा छोटा सा बेबी काओ, इसके लिए हमारी आयत रो रही है कि मुझे ये चाहिए। आई वॉन्ट बेबी काओ, आई वॉन्ट बेबी काओ। देखो उसका दूध निकल रहा है, उसको बेबी को मिल्क चाहिए। वो देखो खुद ब खुद नेचुरल है, ये खुद ब खुद निकल के नीचे गिर रहा है। सारे एनिमल्स इसी साइड पर आ गए, हमें मारेंगे। सबके सब इधर आ गए। देखो ये इसकी मम्मा है, ये अभी बॉर्न हुआ है, पता नहीं कल हुआ है, पता नहीं कब हुआ है। तो अपने दूध के लिए वो बार बार इसके पास जा रहा है। एनिमल्स के पास जाने की ना मेरी फुल चोलिस्ताना चोलिस्तान वाला लुक आज तक कभी भी किसी को नहीं देखा होगा, जितनी मोटी आज मैं लग रही हूँ। और हमें इतनी सारी यहाँ पर पिक्चर वीडियोस बनाते बनाते अच्छा खासा टाइम लग गया, ये पास आने ही नहीं दे रहे हमें। एक दो अभी ट्राई करो या तो ये मुझे सिंह ईमान को मैं जितना मना करती हूँ वो चली जाती है। सिंह मार के उठा के मुझे बाहर नहीं 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 अब यहाँ से भाभी आऊंगी ना, ये लुक अच्छा लगेगा। भाभी आप वहीं पर रुकिएगा। एक ये भाभी इनका जो घाघरा इतना, ये वजनी है ना, वजनी है, ये बहुत ज्यादा मोटा है। एक दफा घूम के बनाओ बनाओ। नहीं माशाल्लाह पिछली बार से इस बार वाला लुक माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी मैं पतली थी। हाँ उस दफा पतली थी, इस दफा मैं बहुत मोटी हो गई। मोटी नहीं, ये चोली उनकी ना इस तरह की टाइप की बनी है। घाघरा असल में बहुत यहाँ पर ना मोटा है, यहाँ पर इलास्टिक भी नहीं लगा हुआ इनका, ये बंधा हुआ है। हाँ। ऐसे कपड़े की तरह, तो ये भाई जगह बहुत ज्यादा अलग। ये 8-10 मीटर का है ना, इतनी वजनी है। पायल की भी इतनी अच्छी अच्छी वीडियो हमने बनाई है ना, बहुत अच्छा है। सर चले अभी, अभी हाँ, भी वेट कर रहे हैं। चले वो चाय बनी है तो बुला रहे हैं। हाँ चाय इनकी, इनकी यहाँ की जो चाय होती है ना वो भी बहुत मजे की होती है, फ्रेश दूध के साथ। अभी जो मैंने आपको हाँ। दिखाया ना फ्रेश दूध निकल रहा था, ऐसे फ्रेश दूध के साथ ये चाय बना कर देती है। देखो आयत भी हमारा वेट कर रही है, अम्मा ने आयत को संभाला है। आपको मारेगा मेरे लिए, बोल रही है कि आप मम्मा आ रही हूं, एनिमल मारेगा। अब कैसे चलें भाग? चलें, कुछ नहीं कहती आज। चलो हमने जो है ना इन एनिमल्स को क्रॉस कर लिया, इस बच्चे ने हमारी जान बचा ली। चलो बच्चों, बच्चों ने जान बचा ली। वो देखो वो सब बैठे हुए हैं। रानी मेरी शहजादी, मम्मा की जान है। रानी तो दिखाए, मम्मा आ गई। मम्मा नहीं मारा मुझे,
और यकीन करो मतलब आज मुझे इतनी ज्यादा ये खुशी हो रही है ना, ये वाला लुक क्रिएट करके, ये सब पहन के, ज्वेलरी, ये ड्रेस पहन के, मतलब ये मेरा शौक है। ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक व्लॉगिंग की हद तक, एक वीडियोस की हद तक करती हूँ, ये मेरी एक विश थी कि मुझे ऐसे कपड़े पहने। और मैं हर साल जब भी आती, लास्ट ईयर भी आई थी, तब भी मैंने इस तरीके की कोशिश की थी बनने की, ऐसे कपड़े वपड़े पहन के इनके माहौल के साथ, ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि वो होते हैं गुजराती होती है, उनकी ड्रेसिंग, उनकी ज्वेलरी, ये सब पहनना मुझे शुरू से बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने अपनी विश पूरी कर ली है और व्लॉगिंग के जरिए आपको तो मैं एंटरटेन करती हूँ, मतलब आपके लिए सब करती हूँ, मुझे पता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं वो सब करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं अपना सब कुछ एक अपना जो भी मेरी इन्जॉयमेंट है, जो भी मैं अपने दिमाग से सोच के अपने लिए करती हूँ, मैं सब कुछ आपको दिखाती हूँ। मतलब मेरा एक दिल खुला हुआ है इस पूरे व्लॉग में, एक मेरी जो फीलिंग्स है, मेरा जो दिल करता है, जो भी होता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरी मैं क्या बोलूँ, मतलब जो भी मेरी सोच होती है, फीलिंग्स होती है, वो सारा कुछ मैंने इस व्लॉग के अंदर जमा किया हुआ है। जैसे जाने लगी, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ, वो रन भाग के आई है। देखो इसको मैं कपड़े देकर जाती हूँ, चलो शुक्र है कि ये तो पहना हुआ इस दफा। ये मुझे पकड़ के लेके जा रही है, इधर बैठो मेरे साथ। बस अब ठीक है, जिसको पता था ना कि मैंने कपड़े वपड़े इस तरीके के पहने हैं, तो मुझे चार पाई पे इसने बिठाया है। योगी कह रही मैंने भी पी लिया चुटकी। भाभी आपकी दोस्त, हाँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसकी बेस्ट फ्रेंड है भाभी। तो ये इनके घर की मजेदार गर्मा गर्म चाय, जो कि इतनी मजे की लगती, इतनी अच्छी लगती है ना इनके घर की चाय मुझे। भाभी जब यहाँ पर जो है ना मक्खन तैयार कर रहे हैं, सब बारी बारी, मेरी भी बारी आएगी एक दफा, मैं भी करूँगी अभी कर ले। भाभी आप इधर से ही मक्खन लेने आती हैं? अच्छा, मक्खन दही सब भाभी इधर से लेते हैं और मतलब खुद ही बना के ले जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ना लस्सी तैयार हो रही है और इस साइड पर देखिए इनकी रोटियां बन रही हैं। लकड़ियां तो इनके घर पे मैंने देखी नहीं है, यही जलाते रहते हैं, जो थापड़ियां ये गोबर की बनाते हैं ना, उससे आग भी जला लेते हैं, रोटी भी पक जाती है, सालन भी इनका तैयार हो जाता है। अच्छी लग रही है ये अच्छी है। ये इंक कहाँ से लगा के आई हो? पढ़ने गई थी स्कूल? नहीं, ये मेरा वो पॉइंटर था, इसलिए उसने ना वो जो निकलती है ना, हाँ, उससे वो सारा इंक निकाल, सारा मुंह भर दिया। मेरी बारी आ गई है, ऐसा मैं मक्खन बना के खिलाऊंगी ना। करोगे कैसे तारा? ऐसे यहाँ पर पाँव भी रखने पड़ते हैं, हाँ, यहाँ ऐसे, हाँ, मक्खन बना कर खिलाऊंगी ना, याद रखोगी और हमेशा मुझे बताओगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, विलेज के कल्चर को फॉलो किया है। हाँ, मुझे विलेज का कल्चर फॉलो करने का इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है। कितना टाइम लगेगा लस्सी को? आप बैठे तो सिर्फ आपको लस्सी पिलाते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, गलत। सीधा 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 कैसे? थोड़ी सी भाग कैसे? देखते हैं कि कितना दिन, आप याद करो, देखते हैं कितना दिन लगता है। दिन तो खैर नहीं लगेंगे, जल्दी ही बना के पिलाऊंगी। मक्खन हम यहाँ से अभी जो ना, ये जो ताजा मक्खन अभी तैयार मैं कर रही हूँ ना, ये मक्खन हम बना के कराची ले चलेंगे और वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब हम बाहर का मक्खन बिल्कुल नहीं खाएंगे, जैसे भाभी यहाँ से लेने आती है ना, हम भी इधर से ही लेने आया करेंगे। अच्छा खासा फर्क पड़ रहा है, ये सारी मलाई से मटका भरा हुआ था ना, मक्खन आ रहा है। आ जाएगा, टेंशन ना लो। एक साइड पर लस्सी तैयार हो रही है और दूसरी साइड पर देखें यहाँ पर रोटियाँ गरम गरम तैयार हो रही हैं और ऊपर बनती है और नीचे देखो ऐसे सेकते हैं तो ये फुल फूल जाती है, तीन चार एक साथ पकती हैं। ये थोड़ा सा छोटा है तो इस पे एक एक करके पक रही है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, इस पे रोटियां बहुत जल्दी पकती है। अच्छा, मक्खन का तो हम वेट करते रहे, मक्खन पे भी बहुत टाइम लगेगा और अम्मी को भी कहीं जाना है, आयत को भी नींद आ गई तो भी हम घर चलते हैं। बस अंधेरा हो गया मक्खन के चक्कर में, मक्खन बना ही नहीं है, मक्खन पे कहते हैं अभी भी आधा घंटा लगेगा। और ये कोई टाइम का पता लगा है, देखो घूम फिर के इतनी अच्छी वीडियो बना के, इतनी प्यारी प्यारी यादें जमा करके हम वापस आ गए हैं। अंधेरा हो गया, दिन में निकले थे और अंधेरा भी हो गया। यहाँ पर अभी आए तो भाभी ने अभी मीठा खिला दिया, सोन हलवा भी हमने खाया है और इसके अलावा अभी अम्मी को लेकर कहीं जाना है कल, क्योंकि हमने फिर कराची के लिए रवाना हो जाना है। तो आज का है टाइम है तो एक जगह से अम्मी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी अफसोस के लिए अम्मी ने जाना है। तो बस यहाँ से आधे घंटे का रास्ता, अभी थोड़ी देर के लिए अम्मी को वहाँ पर लेकर चलते हैं, आधा एक घंटा अम्मी वहाँ बैठेंगी और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो जल्दी से जाती हूँ, मैं चेंज करती हूँ और मुझे ज़रूर बताएगा आज मैंने जो भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल की, आपके लिए मेहनत की है और अपना भी एक हमने बहुत सबको बल्कि सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय की है। वहाँ पर जब हम गए ना तो वो हमें बोलते हैं कि हमारी जो नई नवेली दुल्हनें होती है ना वो ऐसी होती है ना। आपको मैच कैसी लगी? बहुत प्यारी।
बहुत प्यारी। चलो सही है, आज मुझे वाकई में सच में ऐसे लग रहा है जैसे नई नवी दुल्हन होती हैं, ऐसी ज्वेलरी उनकी जैसी ड्रेसिंग और उसके अलावा फिर पायल, जब चलो ना छन छन की आवाज आती है, मैं बार बार अपने पाँव देखती हूँ पायल के लिए, तभी बस ये सब कुछ निकालती हूँ, उनका ड्रेस भी मैं निकालती हूँ। तो बस तो ये कोई टाइम लगा है, हम दोबारा से चेंज करके वापस आ गए, अभी अम्मी को लेकर जाने वाली। अम्मी आपकी क्या लगती है, कजन ना? मामू की बेटी, मामू, अम्मी के मामू की बेटी है जिनके घर पे जा रहे हैं, वो कोई ब्लॉगर नहीं है और ना ही यूट्यूब पे आते हैं, तो वहाँ पर हमने कोई वीडियो शूट नहीं करनी, तो हमें सिर्फ हमारे साथ आयत जा रही है, बाकी तैयबा मुस्तफा घर पे है, भाई भाभी के घर पर गाड़ी में बैठ के दूध जल्दी जल्दी ये गर्म किया और बना लिया। और आज देखो मैंने अपनी ना नोजपिन भी नहीं निकाली, नोजपिन भी लगा के जा रही हूँ। तो ये वाली जो सीट होती है ना, इस सीट पर जो भी आयत को संभालेगा वही बैठेगा, आयत तंग करती है अगली सीट पर। इस सीट पे कोई भी बैठता तो सोच समझ के बैठता है आयत की वजह से। कब से लोशन ढूंढ रही थी अपने, गाड़ी में संभाल के रखा हुआ। चाचू ये ले, आप भी लगाए, हैंड सबके इतना ज्यादा ड्राई हो रहे हैं। अस्सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम बेबी, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कर लो एक दफा, एक दवा, मूड नहीं है ना अब इसका जो है ना। इतनी बार लोशन का पूछे, अम्मी आपके दामाद ने गाड़ी में रखा हुआ था इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मेहरबानी अम्मी, आज पूरा दिन ढूंढती रही है लोशन कहाँ है, लोशन कहाँ है, नहीं मिला। चाचू आपकी आंख पे भी लगा हुआ है, अम्मी चाचू की आंख पे लग गया। चलो बिस्मिल्लाह पढ़े और चले, यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव है। तो घूम फिर के हम आ गए हैं वापस अपने घर पर, अपने रूम में। देखे आई हूँ, अभी मैं सोने ही वाली थी, मेरी आंख लग गई थी रास्ते में भी, गाड़ी में भी नींद आ गई, और अब बस सोते हैं और आज का व्लॉग भी एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश की थी अच्छा बनाने की, आप सबको भी पसंद आया होगा। और बाकी तकरीबन हम एक महीने से कुछ ही दिन कम लगा लें यहाँ पर, हम घूम फिर के जा रहे हैं, और इतने दिन मैंने आपके लिए अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा व्लॉग बना सकूँ, अच्छे से अच्छा हम अपना गाँव जो है ना प्यारा से प्यारा दिखा सकें, जितना हो सके अच्छे से अच्छा दिखा सकूं। और जितने भी हमारे गांव के ब्लॉग बने हैं आपको अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना और बहुत अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना। बस कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, आज हमारा लास्ट डे था यहाँ पर पंजाब में, कल इंशाल्लाह फिर कराची के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा इस मेरे चैनल पर खूबसूरत हम सब की एक यादें बनती जा रही है, मतलब जब कभी हम बैठ कर अपने आप को देखें, बड़े देखें, छोटे देखें, तो बहुत ही प्यारी प्यारी यादें YouTube पे बनती हुई जा रही हैं, जो मैं छोटे छोटे एक व्लॉग, छोटे छोटे क्लिप लेती जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। ये हमेशा के लिए हमारी एक बहुत प्यारी यादें बनती जा रही हैं, जिनको बैठ के हम कभी याद करेंगे। तो बहुत ही प्यारा माहौल आज हमने बनाया, और थैंक यू सो मच हमारा आज का व्लॉग वॉच करने के लिए। कल मिलते हैं, देखें नोजपिन फिर मैंने निकाली नहीं, मुझे इतना अच्छी लग रही थी, और ये मैच भी हो गई आज, जो हमने लुक क्रिएट किया उसके साथ ये मैचिंग भी चला गया। तो अब इसको निकालती हूँ और जाकर अपना रेस्ट करती हूँ, मेरे हस्बैंड कैसे थके हुए थे देखिए, हम अपनी जगह पर सो गए, आयत भी उधर उसी टाइम गाड़ी में ही सो गई थी, और अम्मी सब सो गए, सब बहुत थके हुए थे। तो थैंक यू सो मच आज का व्लॉग वॉच करने के लिए, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।